So friends and welcome to the Exams Made Simple and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 17th October. तो बहुत ही quickly आज का भी newspaper analysis देखेंगे और आप लोग के पास बहुत जो समय बचेगा उसमें आप अपनी बाकी की पढ़ाई कर लीजिएगा. The Hindu में आप हमारे पर trust कर सकते हैं, कोई भी content इससे ज़्यादा इससे अच्छा नहीं आपको बताएगा और जितनी ज़रूरत है केवल उतना ही मैं आपको बताऊँगा, उससे ज़्यादा भी नहीं है ना. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रंट पेज की न्यूज़ के साथ. फ्रंट पेज की पहली न्यूज़ जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है वह प्राइवेट प्रोजेक्ट्स गिव इन बूस्ट इन क्वार्टर टू. तो अब हुआ क्या है कि यहाँ पे आपको अगर टेबल देखी जाए तो जो इंडिया का प्राइवेट सेक्टर है उसका इन्वेस्टमेंट जो है वो काफ़ी बढ़ गया है. हम लोग बात करते थे इकॉनमी में, अगर आपको याद हो इकॉनमी को कैसे इंप्रूव किया जाए तो उसमें एक पॉइंट हमेशा ये रहता था कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है. नहीं तो अदरवाइज हम बोल रहे थे कि ठीक है अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा तो फिर गवर्नमेंट को खुद अपनी स्पेंडिंग जो है वो इंक्रीज करनी चाहिए. ठीक है ना, मतलब इन्वेस्टमेंट तो बढ़ेगा ही, इन्वेस्टमेंट तो लगेगा ही. अच्छा एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट और सेविंग में डिफरेंस होता है. ठीक है ना, कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग में क्या अंतर है. देखो सेविंग मतलब कि जब आप एसेट्स को सेव करते हो आइदर इन द बैंक्स और कहीं पे भी आप पुट कर रहे हो, बट दैट इज नॉट लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट्स और वो कैपिटल एसेट्स बाद में फिर आपको और प्रोडक्शन या आपकी और इनकम को बढ़ाने के लिए यूज होते हैं. तो सेविंग में ऐसा नहीं होता. इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट में आप पैसा लगाते हो फॉर अ कैपिटल एसेट और वो कैपिटल यानी कि वो एसेट क्या करता है, अगेन यूज होती है एंड देन अगेन प्रोडक्शन और ये सब इंक्रीज होता है. तो इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली when you are doing an expenditure in order to increase your income. Saving is you are just protecting your money and getting a fixed interest rate in that, either getting interest rate in that or not getting, क्योंकि जब आप घर में save करेंगे तो नहीं मिलेगा आपको interest, bank में save करेंगे तो interest मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर कोई capital asset में investment नहीं होगा. तो that is a thing which is important, याद रखेगा. इसके अलावा private investment अगर देखा जाए तो बढ़ा है और कई sectors हैं जिसमें बढ़ा है, especially manufacturing में, सर्विसेज एंड यूटिलिटीज में, इरिगेशन में. ठीक है ना, तो काफी ज्यादा यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि जो वैल्यू है वो बढ़ी है इन्वेस्टमेंट की और दैट इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट. एंड यहां पे इंडिया का प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट हैज सोअर्ड 66% 66% यानी कि 66% बढ़ गया है जुलाई से सितंबर के बीच में एज कंपेयर टू द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023. तो पहले क्वार्टर के कंपेरिजन में इतना ज्यादा इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा 66% का. ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है. और ईयर ऑन ईयर वैल्यू जो चेंज है वो लगभग 36.59% है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, प्लस के ऊपर है ना. और ये भी आपको पता होगा कि कुछ बड़े प्रोजेक्ट जैसे कि इस बार वेदांता ने किया था 1.54 लाख करोड़ का टू प्रोड्यूस सेमीकंडक्टर चिप्स इन गुजरात में बनाने के लिए, है ना. और ये काफ़ी बड़ा जंप तो इसी में देखने को मिलेगा, 1.54 लगभग 41% का जंप आपको और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में देखने को मिलेगा, है ना. तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये फर्स्ट न्यूज़ है. सेकेंड न्यूज़ है MBBS इन हिंदी, जो मैंने आपको कल भी न्यूज़ बताई थी, परसों. याद रखिएगा, मध्य प्रदेश इज़ द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू ऑफर मेडिकल एजुकेशन इन हिंदी लैंग्वेज. और इसके दो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मैंने बताए थे, आर्टिकल 350 ए और आर्टिकल 351. ठीक है ना, दोनों ही आपको याद रखने हैं, 351 और आर्टिकल 350 ए. इसमें से एक है हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, वो आर्टिकल है 351. आपको याद रखना है कि आर्टिकल जो 351 है वो हिंदी लैंग्वेज के प्रमोशन के लिए है, हिंदी लैंग्वेज के लिए. और आर्टिकल 350 ए जो है वो है कि भैया जो प्राइमरी एजुकेशन होता है, प्राइमरी एजुकेशन में मदर टंग में प्रोवाइड करना है. दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल. ये दोनों आपको समझ में आ गई होंगी. अगली न्यूज़ है, एक पब्लिक डैशबोर्ड टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ रेमेडिएशन ऑफ लीगेसी लैंडफिल्स. तो अब यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट ने उसने स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 स्टार्ट किया था एक साल पहले, यानी कि 1 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा. आपको याद होना चाहिए स्वच्छ भारत मिशन 2.0. ठीक है ना, और ये जो 2.0 वाला मिशन था इसमें जो मेजर जो टारगेट था वो था जो लैंडफिल्स हैं, जो अर्बन एरियाज में लैंडफिल्स जहाँ पे कचरा डाल दिया जाता है, और लेगेसी लैंडफिल्स जो हैं. लेगेसी लैंडफिल्स का मतलब वो जगह जहाँ पे लेगेसी वेस्ट हो. ठीक है ना, ऐसी जगह जहाँ पर लेगेसी वेस्ट डाला हो वो आपका लेगेसी लैंडफिल कहलाता है. तब आपके दिमाग में पहला सवाल तो आना चाहिए कि लेगेसी वेस्ट क्या होता है. तो याद रखिएगा, एनी वेस्ट दैट हैज़ रिमेंड डम्प्ड फॉर ओवर 3 months इज कंसिडर्ड टू बी लेगेसी वेस्ट. याद रखेगा, कोई भी इस तरीके का वेस्ट जो 3 महीने से ज़्यादा डंप रहा हो किसी एक जगह में तो वो लेगेसी वेस्ट कहलाता है. तो याद रखेगा, दिस इज द डेफिनेशन, एनी वेस्ट दैट हैज़ रिमेंड डम्प्ड फॉर ओवर 3 months इज कंसिडर्ड टू बी लेगेसी वेस्ट. और इसको हटाने के लिए
स्वच्छ भारत मिशन 2.0 स्टार्ट किया गया था, गार्बेज फ्री बनाना था सारी सिटीज़ को बाय 5 ईयर पीरियड। तो 5 साल का समय दिया गया था स्वच्छ भारत मिशन 2.0 अर्बन में, उस 5 साल के समय में आपको सारी सिटी को क्या बनाना है, गार्बेज फ्री बनाना है आपको, ठीक है ना। तो दैट इज़ अ थिंग, लेगेसी वेस्ट को हटाना है, ठीक है। इसमें लगभग 1000 लेगेसी लैंडफिल साइट्स जो उनको सेलेक्ट किया गया था, एंड ये सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है। अब ये गवर्नमेंट क्या करे ना, द गवर्नमेंट इज़ मेकिंग अ न्यू डैशबोर्ड, पब्लिक डैशबोर्ड, और नवंबर में रिलीज हो जाएगा। वहां पे सारी चीजें कि कौन सा लैंडफिल है, एग्जैक्ट नंबर क्या है, साइज क्या है, रेमेडिएशन के प्लांट्स क्या है, ये सारी चीजें उसमें डाली जाएंगी, ठीक है ना। तो दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, ये न्यूज थी। इसमें आपको काफी कुछ सीखने को मिला, प्रोजेक्ट के बारे में पता चला और उसका टाइमलाइन और सब पता चल गया। अगली जो न्यूज है वो है, इंडिया हैज पोटेंशियल टू अट्रैक्ट $475 बिलियन इन FDI इन 5 ईयर्स। अब यहां पर CII यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का एक रिपोर्ट आया है। ये रिपोर्ट का नाम क्या है याद रखिएगा, पहले लिख लीजिए आप लोग, रिपोर्ट का नाम है विजन डेवलप्ड इंडिया अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ MNCs, विजन डेवलप्ड इंडिया अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ MNCs। और यहाँ पे इस रिपोर्ट में CII का ये कहना है कि इंडिया के पास पोटेंशियल है कि वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि FDI को अट्रैक्ट कर सकती है इनफ्लोज को इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स बाय $475 बिलियन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एक रिपोर्ट है। FDI क्या होता है लेट मी टेल यू। तो अगर मैं आपको बताऊँ, FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक इस ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जहाँ पे जो कंपनी इन्वेस्ट कर रही है वो कंट्रोल करती है ओनरशिप ऑफ अ बिजनेस एज वेल, मतलब कि वो कुछ परसेंटेज ऑफ बिजनेस को ओन भी करती है, जैसे कि 10% से ज़्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट 10% से ज़्यादा ओनरशिप भी कर रही हो, और दूसरा वो डे टू डे ऑपरेशंस में भी इन्वॉल्व रहती है, द कंपनी इज इन्वॉल्व इन डे टू डे ऑपरेशंस, ठीक है ना। तो जैसे देखो बाकी के जो इन्वेस्टमेंट है, मान लो ऐसा भी होगा पैसा लगा करके भूल जाएंगे और फिर पैसा निकाल लेंगे, बट FDI चूंकि 10% से ज्यादा की ओनरशिप आप होल्ड करते हो, 10% ज्यादा आप इन्वेस्ट करते हो, इसलिए व्हाट यू डू इज दैट यू आर इन्वॉल्व्ड इन द डे टू डे ऑपरेशंस, आप डे टू डे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व भी रहते हो, साथ ही साथ आप टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भी करते हो। व्हाट यू डू इज दैट यू ट्रांसफर द टेक्नोलॉजी, यू ट्रांसफर मनी, नॉलेज, स्किल्स, ये सारी चीजें आप लेके आते हो उस कंपनी के साथ। तो जब भी कोई कंपनी इस तरीके का इन्वेस्टमेंट करती है जहां पे वो खुद इन्वॉल्व हो डे टू डे ऑपरेशंस में और स्किल्स में भी इन्वॉल्व हो, टेक्नोलॉजी में भी इन्वॉल्व हो, नॉलेज ट्रांसफर में भी इन्वॉल्व हो, तो इस तरीके का जो इन्वेस्टमेंट होता है ये आपका कहलाता है FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दो तरीके से ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, पहला होता है ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट मतलब कि जब कंपनी को कोई प्रायर परमिशन नहीं लेनी पड़ती रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ इन ऑर्डर टू मेक दैट इन्वेस्टमेंट, RBI से परमिशन नहीं लेनी पड़ती, तो वो ऑटोमेटिक रूट कहलाता है। और अगर गवर्नमेंट के मतलब गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़े तो उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट रूट। गवर्नमेंट रूट में गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है, RBI को इन्फॉर्म करना पड़ता है, एंड द कंपनी विल हैव टू अप्लाई थ्रू फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल। एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल है जो कि सिंगल विंडो क्लियरेंस देता है ना। तो ये दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एंड इसके बाद आपको मतलब कि FDI पॉलिसी का फॉलो करना पड़ता है, ऐसा बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ये आपका गवर्नमेंट रूट कहलाता है। तो सेकंड वन इज़ द गवर्नमेंट रूट। आपके लिए एक अच्छा सवाल ये है जो UPSC पूछ सकता है, वो ये है कि कौन से सेक्टर्स हैं, विच सेक्टर्स आर देयर विच अलाउ 100% FDI। बस इस क्वेश्चन का आंसर आप पूछा करिएगा, सर्च करिए विच सेक्टर्स आर देयर दैट अलाउ 100% FDI और मेरे को लिख करके कमेंट सेक्शन में बताइए। दिस इज द क्वेश्चन फॉर टुडे। जैसे तीन क्वेश्चन मैं पूछता हूँ ना, तो समझ लो कि आज के तीनों क्वेश्चन एक ही में है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस भरोसा मानिए, इसको अगर आपने तैयार कर लिया तो आपको इसमें हेल्प मिलेगी UPSC एग्जाम में, ठीक है ना। अब अभी एक रिपोर्ट आई है किसकी, ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर की। ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर आप याद रखिएगा एक फर्म है जो कि ट्रैक करती है यूटिलाइजेशन ऑफ द फ्यूल सोर्स इंटरनेशनली। तो ये फ्यूल के जो सोर्सेज हैं इंटरनेशनली उनका यूटिलाइजेशन मॉनिटर करती है ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर, एक फर्म है, ऐसी प्राइवेट फर्म या किसी गवर्नमेंट संस्था की नहीं है, बट इट्स अ फर्म दैट ट्रैक्स यूटिलाइजेशन ऑफ द फ्यूल सोर्स इंटरनेशनली। और यहाँ पे इसने बताया कि इंडिया के जो माइंस हैं कोल माइंस, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंडर यूटिलाइजेशन है और अंडर यूटिलाइज्ड कोल माइंस है इंडिया की, और बहुत ज़्यादा पुश हो रहा है वैसे कि नई माइंस के लिए, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ as per the report the coal mines of India are highly underutilized. Let me show you one map और coal sources कहाँ कहाँ India में, मैं वो आपको दिखा दूँ एक बार। तो ये आपको मैप दिख रहा होगा कोल माइंस का, ये मैप है, एज यू कैन सी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट माइंस ही लिखी हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जैसे सिंगरौली आपको मध्य प्रदेश MP में आपको सिंगरौली एक मिल जाएगी, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में आपको यहाँ पे कोरबा मिल जाएगी, द कोरबा इन छत्तीसगढ़, कोरबा आपको दिख रही होगी, ठीक है। फिर आपको ये झारिया दिख रही होगी, झारिया एंड बोकारो इन झारखंड,
झारिया एंड बोकारो इन झारखंड। अब झारिया जो है इंडिया की लार्जेस्ट कोल माइन भी है, ये भी याद रखिए, कोल फील्ड में सबसे बड़ी कोल फील्ड आपकी झारिया कोल फील्ड ही है, ठीक है, तो झारिया याद रखिएगा। फिर यहाँ पे आपको रानीगंज दिख रहा होगा, वेस्ट बंगाल वाले पार्ट में आपको रानीगंज दिख रहा होगा ना, ये वेस्ट बंगाल में रानीगंज जो है ये ओल्डेस्ट कोल माइन इंडिया की, याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल की जो रानीगंज है वो ओल्डेस्ट कोल माइन इंडिया की। इसके अलावा आपको यहाँ पे तालचेर दिख रही है, तालचेर इन उड़ीसा, तालचेर आपको दिख रहा होगा, देन सिंगारेनी आपको दिख रहा होगा आंध्र प्रदेश, सिंगारेनी इन आंध्र प्रदेश, देन नाइवेली इन तमिलनाडु, दिस इज देयर, ठीक है ना। तो ये कुछ नाम है, कुछ ही नाम है, उनमें से मैंने आपको मेन मेन बता दिए। झारिया आपको ये बता दिया कि ये आपका सबसे बड़ा, सबसे बिगेस्ट कोल फील्ड इंडिया की। वहीं पर रानीगंज मैंने आपको बताया कि ये ओल्डेस्ट है, ठीक है ना। कोल का नेशनलाइजेशन हो चुका था 1973 में, आपको याद होना चाहिए, कोल का नेशनलाइजेशन 1973 में हुआ था, और 2015 में नरेंद्र मोदी जी की जब गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कोल के नेशनलाइजेशन के अगेंस्ट एक एक्ट निकाला, और 2015 के बाद फिर अलाउ कर दिया कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी कोल माइन कर सकते हैं, है ना। तो 2015 में इसको हटाया गया और प्राइवेट कंपनीज को भी अलाउ किया गया, अदरवाइज 2015 तक प्राइवेट कंपनीज इन्वॉल्व नहीं थी 1973 से, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब अगली न्यूज़ आपको दिख रही होगी, व्हाई डज द सुप्रीम कोर्ट कलेजियम होल्ड प्राइमेसी ओवर ट्रांसफर्स। अब यहाँ पे ऑथर ने यहाँ पे बात की है, अभी रिसेंटली देखा गया है कि गवर्नमेंट को जब भी कोलिजियम तो आपको पता होगा ना, तो वो क्या था, 1981 में एक फर्स्ट जजेस केस हुआ था, 1981 में फर्स्ट जजेस केस हुआ था, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो एग्जीक्यूटिव है वो मेन बॉडी है, एग्जीक्यूटिव जो है यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो मेन बॉडी है अपॉइंटमेंट में, और जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है वो केवल एक कंसल्टेटिव बॉडी है ना, कंसल्टेटिव बॉडी है, ठीक है। 1981 में फर्स्ट जजेस केस हुआ था, 1993 में जब सेकंड जजेस केस हुआ तो 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया देखो ऐसा है कि जुडिशरी को कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना है, इस कारण से जो सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट्स हैं उसमें जो सुप्रीम बॉडी होनी चाहिए वो कोलिजियम होनी चाहिए, कोलिजियम बनाया जाएगा। उस समय कोलिजियम 1+2 का था, यानी कि एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस, और बाकी एग्जीक्यूटिव जो रहेगा वो भी रहेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कंसल्टेशन जो है इसका मतलब है कॉन्करेंस मतलब कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस एग्री नहीं करेगा तब तक वो नाम नहीं फाइनल होंगे। फिर 1998 में एक और चीज़ की गई, कोलिजियम को एक्सपैंड किया गया, फाइनल कोलिजियम को रूप दिया गया 1+4 का, 1+4 सीनियर मोस्ट जजेस का, ठीक है ना। अब ये ट्रांसफर्स और उसमें दोनों में वैलिड है अपॉइंटमेंट के लिए। अब लेकिन गवर्नमेंट का जो प्रॉब्लम है, जो ऑथर ने यहाँ पे प्रॉब्लम उठाई है, वो प्रॉब्लम ये है कि सुप्रीम कोर्ट अपने कोलिजियम में नाम तो भेज रही है, बट व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग इज दैट गवर्नमेंट उन नामों को क्या कर रही है, उसको बैचेस में एक्सेप्ट कर रही है। मतलब कि दे आर डूइंग व्हाट, दे आर अलाउइंग फ्यू ऑफ द नेम्स टू बी इंक्लूडेड एंड रेस्ट ऑफ द नेम्स वो ड्रॉप कर देती है, मतलब मानती उन्हीं का है लेकिन उसमें से कुछ ही नामों को आगे बढ़ाती। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली जो केस हुआ जस्टिस मुरलीधर का, जस्टिस मुरलीधर वॉज ट्रांसफर टू द मद्रास कोर्ट, और वहीं पे उन्हीं के साथ 2-3 नाम और थे, जैसे जस्टिस पंकज मित्तल जी का नाम था फॉर द राजस्थान कोर्ट एंड ऑल, ठीक है ना। तो उन्होंने जस्टिस पंकज मित्तल का तो ट्रांसफर का ऑर्डर निकाला, लेकिन दे वॉज साइलेंस अबाउट जस्टिस मुरलीधर ऑर्डर। अब इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं, जैसे कि ऑब्वियसली बात है जो जस्टिस है उनकी सीनियोरिटी को इम्पैक्ट पड़ता है ना, ऑब्वियसली बात है जो कोलिजियम का ओवर प्राइमेसी का पूरा रोल था वो रोल ही खत्म कर दे रहा है ना एक तरीके से गवर्नमेंट। तो दैट दिस इज व्हाट हैज बीन हैपनिंग। तो यहाँ पे जस्ट देखो, अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट इज अ पार्टिसिपेटरी कंसल्टेटिव प्रोसेस, ये आपको पता है, ठीक है ना। ये मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जिसको हम बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट भेजता है फिर वो रिकमेंडेशन देता है या फिर रिसेंड करता है नाम, लेकिन ये प्रोसेस है ना। बट देयर इज अ डिस्टर्बिंग पैटर्न ऑफ द गवर्नमेंट यूनिलेटरली डिलेइंग और सेग्रीगेटिंग नेम्स रिकमेंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट कलेजियम। तो 2 प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या तो गवर्नमेंट यूनिलेटरली डिले कर रही है, नाम ही नहीं आगे नहीं बढ़ा रही, ठीक है ना, ना रिजेक्ट कर रही है ना आगे बढ़ा रही है, ठीक है ना, मतलब रिजेक्ट तो करने का इतना पावर है नहीं, ना रिसेंड कर रही है ना उसको आगे ले जा रही है, डिले कर रही है। दूसरा, या फिर उसको बैचेस में नाम का एक्सेप्ट करिए कि कुछ नाम आज कर दिए, कुछ नाम 10 दिन बाद कर दिए, ठीक है ना। तो 3 जजेस केस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ आपको कॉन्करेंस में रहना है। और यहां पर जस्टिस आरएमएल लोढ़ा थे, उन्होंने एक चीज और क्लियर कही थी कि देखो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इस तरीके से आप नहीं कर सकते हो, यू हैव टू गिव प्रॉपर रीजन फॉर दैट एंड यू हैव टू डू एवरीथिंग इन कंसल्टेशन। अगर आप चलो बैचेस में भी निकाल रहे हो तो दैट शुड ऑल्सो बी कंसल्टेटिव प्रोसेस, आपको कोलिजियम से कंसल्टेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप वो चीज करेंगे। तो दिस इज द इशू दैट इज गोइंग ऑन। ये इस इशू के कारण काफी ज्यादा मुसीबतें हाई कोर्ट्स को भी झेलनी पड़ रही, जहां पर ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट को भी झेलनी पड़ रही और हाई कोर्ट्स को भी झेलनी पड़ रही जहां पर ट्रांसफर नहीं किए जा रहे, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट को जो कोलिजियम है उसको प्राइमेसी देना, दैट इज अ थिंग
एंड वही वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट के साथ कंसल्टेशन में अगर गवर्नमेंट नहीं रहेगी तो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगला है अंडरस्टैंडिंग द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अब आपको पता होगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स इस बार कैलकुलेट किया गया है जिसमें इंडिया को तो मतलब 107 रैंक दी गई है आउट ऑफ 121 कंट्रीज और इंडिया का स्कोर जो था वो 29.1 था आउट ऑफ 100। हमने रिजेक्ट कर दिया रिपोर्ट, बहुत ही अच्छा किया है ना, क्योंकि इस तरीके से जो दोगलापंथी इन लोग करते हैं ये इंस्टीट्यूशंस, ये फॉरेन इंस्टीट्यूशन कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर लाइफ, ये निकालता कौन है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर लाइफ करके ऑर्गेनाइजेशन है वो निकालती है, ठीक है ना। इसमें हमने हमारे इंडिया को उन्होंने श्रीलंका में, मतलब श्रीलंका जहाँ जिसको खुद हम लोन दे रहे हैं, खाने के पैसे हम दे रहे हैं श्रीलंका, उस श्रीलंका को उन्होंने हमसे ज़्यादा अच्छी रैंक पर रखा है। तो मतलब समझ नहीं रहा, औचित्य नहीं समझ में आ रहा। सबसे पहले देखो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के हम वो देख लेते हैं कि कौन से चार पैरामीटर्स हैं जिनको कि ये मेजर करता है। तो पहला पैरामीटर तो है वेस्टिंग का, ठीक है, चाइल्ड वेस्टिंग का। दूसरा पैरामीटर है चाइल्ड स्टंटिंग का। तीसरा पैरामीटर है चाइल्ड अंडर नरिशमेंट का। और चौथा पैरामीटर है मोर्टैलिटी का, ठीक है ना। दीज आर द फोर पैरामीटर्स दैट आर टेकन इन कंसिडरेशन बाय देम, ठीक है ना। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता है कि एक SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि 2015 से 2030 तक के लिए हैं, उनमें एक गोल ये भी है कि हमको जीरो हंगर अचीव करना है बाय 2030, ठीक है ना, जीरो हंगर बाय 2030। तो ऑब्वियसली बात है ये रैंकिंग देख करके तो नहीं लग रहा है कि इंडिया सही ट्रैक पर है एज पर द रैंकिंग, अदरवाइज तो हम सही ट्रैक पर होने चाहिए, बट एनी हाउ दिस इज द थिंग विच इज़ देयर। चार मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए मेजर्स कंपाउंड होते हैं। अंडर नरिशमेंट यानी कि इट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन फेसिंग क्रॉनिक डेफिशिएंसी और डाइट्री इनटेक जहाँ पे नहीं मिल रहा है। स्टंटिंग यानी लो हाइट फॉर एज, वेस्टिंग यानी लो वेट फॉर हाइट, एंड मॉर्टेलिटी यानी डेथ ऑफ चिल्ड्रंस अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज। तो मॉर्टेलिटी के अंदर वो चिल्ड्रन 5 साल के अंदर जिनकी डेथ होती है, ठीक है ना, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पर मैं अब आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगा, इसलिए नहीं बताऊँगा क्योंकि रैंकिंग ही सही नहीं है, तो क्या डिस्कस करें। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का हम देख लेते हैं। गवर्नमेंट का ये कहना है कि एक तो रिपोर्ट डिस्कनेक्टेड है ग्राउंड रियलिटी से, दूसरा गवर्नमेंट रिपोर्ट इग्नोर करती है फूड सिक्योरिटी एफर्ट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशली ड्यूरिंग द पैंडेमिक। जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है जिसके अंतर्गत 5 किलो एडिशनल राशन पर मंथ पर पर्सन दिया गया था, वो सारी चीज़ें इग्नोर करती है। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट ने कहा है कि भैया ये चीज़ें एफर्ट्स जो हैं ये सब तो मेजर ही नहीं कर रहे हो आप, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सच अ रिपोर्ट जहाँ पर ये सारी चीज़ें ना देखी जाएँ, ठीक है ना। वहीं पे एक कंट्री है जहाँ पे फूड क्राइसिस है, वहाँ पे खाना हम दे रहे हैं, उसको आपने हमसे भी ऊपर रख दिया, तो दैट इज द थिंग विच इज देयर विच इज अनफॉर्चुनेट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगला देखते हैं, मूव करते हैं फूड डे एज अ रिमाइंडर टू लीव नो वन बिहाइंड। अब याद रखिएगा ग्लोबल फूड डे है, वर्ल्ड फूड डे है, ऐसे में ऑथर ने कहा कि वर्ल्ड फूड डे का मतलब ये है कि कोई पीछे नहीं छूटना चाहिए, मतलब कोई भी भूखा ना रह जाए, ठीक है ना, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि वर्ल्ड फूड डे होता क्या, 16 अक्टूबर को होता है, यानी कि कल था 16 अक्टूबर को। अब ऐसे में ऑथर ने यह कहा कि हंगर के जो हॉटस्पॉट्स हैं, और हंगर के हॉटस्पॉट में ठीक है इंडिया भी आएगा, ऑब्वियसली बात है कंट्री इंडिया भी रहेगी, बहुत सारे लोग यहाँ भी, हाँ उस रैंकिंग के हिसाब से नहीं जाएगा लेकिन फिर भी आएगा तो है ही। तो ऑथर ने कहा कि 2-3 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसी फील्ड में काम कर रही हैं, चाहे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें, चाहे हम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात कर लें। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को तो नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, अगर आपको याद हो 2 साल पहले नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, 2 साल पहले आई थिंक, है ना। तो ये आपको याद रखना है कुछ चीज़ें। अब वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को होता है, यहाँ पे ऑथर ने कहा कि एक रेजोल्यूशन लेना चाहिए कि कोई भी पीछे ना छूटे, कोई भी वो ना रहे, और जो प्रोडक्शन है, जो न्यूट्रिशन है, इन्वायरमेंट है, वो सब चीज़ें मेक कर बनाएंगी क्या, एक बेटर लाइफ, बेटर प्रोडक्शन, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर एनवायरनमेंट एंड बेटर लाइफ, ये सारी चीज़ों को हम जोड़ते हुए कलेक्टिव एक ट्रांसफॉर्मेशन लाएं इन द फूड सिस्टम, है ना, एग्रीकल्चर फूड सिस्टम में एक कलेक्टिव चेंज लाना है। वो चेंज कैसा होगा, फॉर बेटर प्रोडक्शन, फॉर बेटर न्यूट्रिशन, फॉर बेटर एनवायरनमेंट एंड फॉर बेटर लाइफ ओवरऑल, ठीक है ना। अब ऑथर ने यहाँ पे बात की है बेसिकली वर्ल्ड फूड डे की, रिमाइंडर की, वर्ल्ड फूड डे इज़ अ रिमाइंडर टू लीव नो वन बिहाइंड, ऑब्वियसली बात है। एंड ये अपॉर्चुनिटी है कि हम देखें कि क्या चेंजेस हम किए कर सकते हैं ताकि फूड सिक्योरिटी के नेट को और टाइट किया जा सके, क्या चेंजेस हम कर सकते हैं टू प्रोवाइड द बेसिक एसेंशियल न्यूट्रिशन फॉर मिलियंस ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। इसमें ऑथर ने इंडिया की तारीफ करते हुए एक बात कही कि जो इंडिया का नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, दैट इज़ अ राइट स्टेप डायरेक्शन, स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। 2013 में ये लाया गया था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। इसके अलावा जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, हमारा जो PDS सिस्टम है, TPDS सिस्टम, काफ़ी बेहतरीन सिस्टम है जहाँ पे लोगों को राशन दिया जाता है बिल्कुल महीने साल का, है ना। इसके अलावा
एक स्कीम है पीएम पोषण, जिसको मिड डे मील भी कहा जाता था, अर्लियर नोन एज मिड डे मील स्कीम, अब इसको पीएम पोषण अभियान कहते हैं। 1995 में मिड डे मील आपको इस पता होगा कि स्टार्ट किया गया था। और ICDS यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज जो स्कीम है, ये भी एक ऑलरेडी स्कीम चल रही है, जो जैसे जो 6 साल से कम के बच्चे हैं, जो महिलाएँ हैं, जो डिलीवरी के दौरान जो महिलाएँ हैं, इन सब के बेनिफिट के लिए काम करती है। तो काफ़ी सारी स्कीम है इंडिया में जो कि वर्क कर रही है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द फूड सिक्योरिटी एंड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द बेनिफिट्स ऑफ द ऑफ बेटर प्रोडक्शन टू ऑल दीज पीपल, है ना। इसके अलावा ऑथर ने कहा है गवर्नमेंट इज कंटिन्यूइंग इट्स एफर्ट्स बाय वेरियस अदर प्रोग्राम्स लाइक राइस फोर्टिफिकेशन। आपको याद होगा राइस फोर्टिफिकेशन, जिसमें राइस के अंदर एडिशनल मिनरल्स और ये सब ऐड किए जा रहे थे, विटामिन ए ऐड किया गया था एक राइस में, जिसको हम गोल्डन राइस बोलते हैं, याद रखिएगा। गोल्डन राइस कौन सा राइस है जिसमें हम विटामिन ए ऐड कर देते हैं, गोल्डन राइस, ठीक है ना, दैट इज़ ऑल्सो फोर्टिफाइड। इसके अलावा बेटर हेल्थ एंड बेटर सैनिटेशन के लिए बहुत सारे और प्रोग्राम चल रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है सैनिटेशन के केस में, हेल्थ के केस में आपको पता ही होगा बहुत सारे प्रोग्राम, ठीक है ना। और ऑथर ने यही कहा कि अगर हम देखें इसके अलावा पैंडेमिक के टाइम में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चालू की गई थी, जिसमें 5 किलो मतलब ओवर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसके अलावा अभी 5 किलो का एडिशनल राइस, जो 5 किलो का जो एडिशनल दिया गया था खाना, इसके अलावा 1 किलो दिया गया चने में भी दिया गया। इसके अलावा भी कुछ प्रोग्राम है, जैसे ऑथर ने कहा है कि यहाँ पे बात की है कि देखो अभी हमको फूड प्रोडक्शन अगर इंप्रूव करना है, फूड प्रोडक्शन इंप्रूव करना है, हंगर के केसेस को कम करना है, तो इसके लिए 2-3 चीज़ें हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन्वायरमेंट को हम नुकसान पहुँचा के ये चीज़ करें। तो एक तो इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है, फूड प्रोडक्शन भी बढ़ाना है लेकिन सस्टेनेबल मीन्स के साथ, ऐसा नहीं कि केमिकल्स का यूज़ करके, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके, सॉइल की क्वालिटी को ख़राब करके, क्योंकि उसका भी इंपैक्ट बाद में फूड सिक्योरिटी पर पड़ेगा। तो वही ऑथर ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों का इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इन चीजों का भी उतना ही इंपैक्ट पड़ता है। तो फूड सिक्योरिटी सेफ्टी तो अपनी जगह है ही, लेकिन साथ साथ हमको एनवायरनमेंट को भी देखना है कि नॉन जुडिशियस यानी कि नॉन जुडिशियस वे में हम प्रोडक्शन ना करने लगे। जो भी यूटिलाइजेशन करें हम रिसोर्सेज का, वो कैरिंग कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए करें। द सॉइल की कैरिंग कैपेसिटी जो होती है उसके ज़्यादा उसको एक्सप्लॉइट ना करें, ठीक है ना, दैट इज़ द थिंग विच इज विच द ऑथर सेज। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि कुछ ऐसे क्रॉप्स भी आपको ढूंढने चाहिए जो कम फोर्स डालते हैं सॉइल के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे ऑथर ने बात की मिलेट्स की। मिलेट्स का जैसे अभी रिन्यूड अटेंशन भी दिया गया है मिलेट्स के ऊपर, क्योंकि एक तो न्यूट्रिशियस है, हेल्दी है, और दूसरा अगर आप देखें तो ये कम एफर्ट मतलब कि एक्सट्रैक्ट करता है सॉइल से भी कम एक्सट्रैक्ट करता है, मतलब कि बहुत कम रिसोर्सेज में, बहुत कम मिनरल्स में ये ग्रो कर जाता है, प्लस वाटर की भी इसकी जरूरत कम पड़ती है। तो मिलेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप दैट कैन बी प्रमोटेड। तो ऑथर ने कहा कि इस तरीके के आपको क्रॉप्स को प्रमोट करना चाहिए। एंड ग्लोबल कन्वर्जेशन में हमने स्टार्ट किया था मिलेट्स के ऊपर, इनफैक्ट का यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अपील भी की है, की गई है कि डिक्लेयर किया जाए 2023 को एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स, एंड इट इज़ द बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको ये बता रहा हूँ मैं। तो ये मिलेट्स का भी इंपॉर्टेंट जो है इसी कारण से बढ़ा है, क्योंकि ये तो सस्टेनेबिलिटी को भी ध्यान में रखना है ना। एंड गवर्नमेंट के अंदर भी इंप्लीमेंट कर रही है सब मिशन ऑन न्यूट्री सीरियल्स, यानी कि मिलेट्स एज अ पार्ट ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंदर का एक सब मिशन है न्यूट्री सीरियल्स, जिसमें मिलेट्स को ग्रो किया जाएगा और उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मतलब यहाँ पे अलग अलग जगहों पे रिवाइव किया जाएगा मिलेट्स को, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड मिलेट का जो कंजर्वेशन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर सकता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में मदद कर सकता है, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ऑथर ने बताया एक और प्रोग्राम के बारे में, वो है तेजस्विनी प्रोग्राम। याद रखिएगा तेजस्विनी प्रोग्राम जो है वो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की मदद से किया जा रहा है, याद रखिएगा, ठीक है ना, तेजस्विनी प्रोग्राम। और ये किसके द्वारा किया जा रहा है, ये किया जा रहा है आपका विद द हेल्प ऑफ IFAD यानी कि इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। और ये एक्चुअली इसके जैसे एक और प्रोग्राम भी था, अगर आपको याद हो तेजस्विनी प्रोग्राम झारखंड में स्टार्ट किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के द्वारा स्टार्ट किया गया था। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कन्फ्यूज ना हो, तो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने भी स्टार्ट किया था स्कूल गोइंग गर्ल्स के लिए, जो स्कूल नहीं जा रही थी, लड़कियाँ जो नहीं जा पा रही थी उनके लिए स्टार्ट किया गया था, अगर आपको याद हो तो। सोशियो इकोनॉमिक गवर्नमेंट जो एडोलसेंट गर्ल्स एंड वुमेंस हैं उनके लिए किया गया था, और तेजस्विनी प्रोग्राम की मदद के लिए वहाँ पे मतलब आई थिंक वर्ल्ड बैंक से फंड भी लिया गया था। तो जो स्कूल महिलाएं नहीं जानती हैं, जो एडोलसेंट लड़कियाँ नहीं जाती, उनको अनौपचारिक शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देने के लिए बेसिकली ये बनाया गया था, और स्कूल जो नहीं जाती हैं लड़कियाँ उनके लिए किया गया था, ठीक है ना। और 14 से 24 साल की लड़कियों के लिए तेजस्विनी योजना चलाई गई थी, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखिएगा। एंड
यहाँ पे मध्य प्रदेश के लिए जो तेजस्वी प्रोग्राम है दैट इज रिलेटेड टू मिलेट्स एंड ऑल एंड फूड प्रोडक्शन ओनली, ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं. एंड दैट इज़ अ थिंग, यहाँ पे ऑथर ने वही बात की फाइनली फूड फॉर ऑल हमको करना है लेकिन सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी. अब यहाँ पे ऑथर ने बात की है बैंक रन की, इन सब की जो चीज़ों की, तो बस यहाँ पे ऑथर ने इस बार का पहले तो नोबेल प्राइज आप याद रखिएगा. इस बार का जो नोबेल प्राइज दिया गया है वो दिया गया है 3 लोगों को, है ना, द 3 पर्संस, जिसमें कि आपके बेन बर्नानके हैं, बेन बर्नानके, देन दूसरा आपके हैं डगलस डायमंड है, तीसरा आपके फिलिप एच डिविग है, ठीक है ना. इन तीनों को दिया गया है. इन्होंने बेसिकली बात की किस चीज़ की, इन्होंने बात की अंडरस्टैंडिंग द जेनेसिस प्रोपोगेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस. जो फाइनेंशियल क्राइसिस या बैंक्स में क्राइसिस हो जाती है ना, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए ये इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है, ठीक है ना. तो ऑथर ने यहाँ पे सबसे पहले बताया कि इवन द आइडल सिचुएशन हैज़ रिस्क. इसका मतलब ये कि जैसे मान लो आपकी कंट्री की इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है, आपकी कंट्री की इकोनॉमी सब कुछ चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि बैंक्स फेल नहीं कर सकते. ऐसी कंडीशन में भी बैंक्स फेल कर सकते हैं. क्यों? देखो बहुत सिंपल कंसेप्ट जो है मैं बता रहा हूँ क्यों होता है. देखो क्या होता है कि जैसे गवर्नमेंट बैंक क्या करते हैं, बैंक कैसे चलते हैं कि आप उसमें पैसा डालते हो, आप इसमें सेविंग करते हो, पैसा डालते हो, और फिर गवर्नमेंट बैंक्स यही पैसा क्या करते हैं, क्रेडिट में निकाल देते हैं, ठीक है ना. अब देखो क्रेडिट कौन ले रहा है, ज़्यादातर क्रेडिट ले रहा है बिजनेस, है ना. सेविंग कौन कर रहा है, सेविंग ज़्यादातर कौन कर रहा है, हाउस होल्ड, ठीक है ना. अब कॉमन सेंस समझना इसका. आप पैसा डालोगे तो क्या आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डालोगे कि शॉर्ट टर्म के लिए डालोगे? आप हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए डालोगे क्योंकि आपकी ज़रूरत आती रहेगी हर 1-2-3-4 महीने में. तो हमेशा जो हमारा हाउस होल्ड का पैसा होता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और ये जो बैंक से पैसा निकालते हैं बिजनेसेस ये लॉन्ग टर्म के लिए निकालते हैं क्योंकि उनको पता है कि अभी इन्वेस्ट करेंगे फिर इसका रिजल्ट आएगा 10-15 साल बाद देखने को मिलेगा, तो ये हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए निकालते हैं. अब आप सोचो शॉर्ट टर्म में मिला पैसा बैंक्स लॉन्ग टर्म के लिए डाल रही हैं, तो चाहे कितनी भी अच्छी इकॉनमी है कोई ना कोई कंडीशन एक ऐसी तो आ ही सकती है जिसमें पैनिक आ जाए या डिपॉजिटर्स जो है उनका मूड चेंज हो जाए और वो सब पैसा निकालने चले जाएं और वो पूरा पैसा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड हो. तो ऑब्वियसली बात है बैंक रन की कंडीशन इवन आइडल सिचुएशन में भी आ सकती है. लेकिन ऑथर ने कहा है कि यही चीज़ें हैं जिन्होंने फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज और इन सब का डेवलपमेंट किया है. तो एक सिचुएशन समझाई गई है फाइनेंशियल क्राइसिस की, और ज़्यादा कुछ है नहीं इस आर्टिकल में. आप पढ़ लोगे पूरा लेकिन आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं मिलेगा, ठीक है ना. तो आप इतना बस समझ लीजिए क्यों ये क्या मैकेनिज्म है, क्यों बैंक रन या इस तरह की सिचुएशन होती हैं. अदरवाइज नो नीड टू गो फर्दर इन डिटेल्स. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द न्यूज़ एनालिसिस, समझ में आ गया आपको. दैट इज इट फॉर द डे. कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.